तुम्हें गॉड को ऐसा मानना चाहिए जैसा मैं आपके सामने अब बताने वाला हूँ। खास तौर पे मैं अपनी फैमिली मेंबर्स जो जिन हैं मेरे और जिनके साथ बच्चे, मैं उनको यही बताऊंगा और सिखा रहा हूँ कैसे मानना, मतलब बिलीव करना, यकीन करना गॉड के ऊपर, गॉड की इबादत करना। तो गॉड को मानना है तो जब चाहे गॉड को मान सकते हैं आप, यानी 24 आवर्स डेली मानते नहीं रहना है गॉड को। 24 आवर्स यानी 24 घंटे जगे हुए भी है, नींद भी नहीं आती, सिर्फ गॉड को मान रहे, जो गॉड बोल रहे हैं वही सुन रहे, वैसा नहीं रहना है जैसा इंसान गॉड को मानता, वैसी गॉड को मानना है। मतलब एक वीक वीक में 7 डेज है, 7 डेज में 3 डेज प्रेयर्स की बना लो, लाइक संडे, वेनेसडे, फ्राइडे। अब संडे, वेनेसडे, फ्राइडे में ये रेगुलर डेज है जो गॉड को हर वक्त नहीं मानना चाह रहे हैं, कम मानना चाह रहे हैं गॉड को, और जब भी मदद की पड़े तो गॉड को जब भी मान सकते हैं। तो जैसे ये 3 दिन संडे, वेनेसडे, फ्राइडे गॉड को मानना चाह रहे हैं तो आवाज रख दो। पहले तो एक सिनेगॉग कैसा रहता वैसा एक प्रेइंग हॉल बनाओ जहाँ पर पूरी फैमिली मेंबर्स आए, या जितने भी सेलेक्टेड मेंबर्स है एरिया में या कंट्री में, वो लोग या सिटी में, वो लोग वहाँ पर आए, कंट्री नहीं सिटी समझो, कंट्रीज में वहाँ पर आए, आके एक साथ 3 डेज रेगुलर डेज, जो बिजी रहते वो लोग 3 डेज आए, आके 3 डेज में टाइमिंग है लाइक 12 to 3 o'clock और 6 to 9 o'clock या कुछ भी टाइमिंग अच्छे रख सकते। तो 12 to 3 o'clock सिर्फ गॉड को मानते रहना या इबादत करते रहना, गॉड जो बोल रहे हैं वो सुनना, कब से 12 to 3 o'clock या 6 to 9 o'clock। तो अब उसके बाद जो है गॉड को जब प्रेइंग ख़त्म हो जाती है, आप 12 to 6 भी कर सकते हैं, यानी इबादत जैसा सिनेगॉग में जाके कैसा इबादत होती, वैसे आप जब अपना प्रेइंग का हॉल बनाते, पूरे जिनों को बुलाते, तो बुला के जो है गॉड को मान सकते। और जब रेस्ट ले, उसके बाद रेस्ट लेना, तो रेस्ट यानी गॉड को नहीं मान रहे, जब भी मदद चाहिए गॉड से तो आप गॉड से मदद मांगने के लिए गॉड को मानना शुरू कर दी। जैसे कि आप मरने पे हैं, आपको प्रॉब्लम आ गई, तो इंसान जैसा मदद के लिए गॉड को पुकारता है, वैसे गॉड को मानना शुरू कर दिए, मानना शुरू कर दिए, बिलीव यकीन करना शुरू कर दिए गॉड के ऊपर, तो गॉड आपको गाइड करेंगे कि क्या करने का है क्या नहीं करना है कुछ प्रॉब्लम आई तो। अब ज़रूरी नहीं है कि 24 आवर्स गॉड को ही माने आप डेली, वो भी तो, और रेगुलर डेज भी रख दे सकते, जो वीकली हर दिन जो गॉड को बहुत चाहते, गॉड के सिवा नहीं रह सकते, गॉड को ही मानना चाह रहे हैं सिर्फ, तो गॉड को मानने के लिए रेगुलर डेज भी रख दे सकते हैं, जिसमें 12 to 3 या 6 to 9 ऐसा कुछ टाइमिंग बना दे सकते हैं, या 12 to 6 ऐसा कुछ टाइमिंग बना दे सकते हैं, जब आप लोग मिल बैठ के गॉड के साथ में रियलिटी में इबादत भी करें, और इबादत करते करते माने गॉड को कि गॉड सच है डेली। जो कॉमन डेज, जिसे कॉमन डेज बोलते हैं, रेगुलर डेज नहीं, कॉमन डेज, क्योंकि रेगुलर डेज 3 डेज होना चाहिए, संडे, वेनेसडे और फ्राइडे। तो जो कॉमन डेज है मैं सही बोल रहा हूँ, जो कॉमन डेज है वो डेली होना चाहिए, मेरे सेंस अलग सेंस से बता रहा हूँ मैं। रेगुलर और कॉमन में फ़र्क ये है कि रेगुलर यानी पूरे लोग एक साथ कैसा भी आते हैं, रेगुलर डेज संडे, वेनेसडे और फ्राइडे, ये वीक डेज जो है कॉमन डेज, यानी कॉमन यानी डेली चलते रहते हैं इबादत। अब मान डेली गॉड को आइए आके मानिए आप सच है, तो ये कॉमन डेज है एकदम, यानी जहाँ पर इबादत होती रहती है डेली। अब रेगुलर डेज जहाँ पर कैसा भी आके मानना है,
मतलब गॉड को, तो वो रेगुलर डेज उसको बोल रहा हूँ मैं मेरे सेंस से। तो संडे वेनेसडे फ्राइडे ऐसा 3 दिन आके कैसा भी आके गॉड को मानना है, इबादत करना है गॉड की, कि गॉड सच है और गॉड को, गॉड जो बोले वो सुनना है। तो इससे क्या होता है, और जब भी आपको मदद चाहिए गॉड से, प्रॉब्लम आई, मुसीबत आई, आप गॉड को नहीं मान रहे, रेस्ट ले रहे हैं फैमिली के साथ, अपने जिन फैमिली के साथ रेस्ट ले रहे हैं, आपको जब भी मदद चाहिए गॉड से, तो फौरन आप गॉड को मानना शुरू कर देना इमीडिएटली। और आप जब भी गॉड को मानेंगे तो आपको जब भी गॉड को सच मानेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, कैसा कुछ प्रॉब्लम आए तो कैसा हल करना है, क्या करना है। और अगर आप गॉड को नहीं माने, रेस्ट ले रहे, तो आपको दुनिया में आप जहाँ पर भी है उसके बारे में मालूम पड़ेगा, वैसे तो जीनी छे, तो आपको सच मालूम होते रहेगा कि आप जहाँ पर भी है वो लोग आपकी फैमिली मेम्बर्स कैसे है, अच्छे है। इससे आपको जो है एक तरीके से इंसान की वैसी फितरत आएंगी आपके अंदर, अच्छे बुरे की समझ आएंगी, और आप उनके साथ रहेंगे जिसको आप पसंद करते, गॉड को बगैर माने के। यानी अगर खूबसूरती को पसंद करते तो खूबसूरत जनों के साथ जो लड़का या लड़की मतलब शादी करेंगे, उनकी अदा को पसंद करके, खूबसूरत लगे तो। और जिन वैसे तो जानते मोहब्बत कैसा करना है, लेकिन सच के साथ रहना, सच के साथ यानी ऐसा सच जो कभी गलत नहीं होता। यानी अगर मोहब्बत भी हुई तो अदा की वजह से मोहब्बत हुई, एकदम कोई टाइम बना दिए मोहब्बत का ऐसा नहीं, हर चीज़ गॉड की मर्जी से होती, लेकिन कभी कभी अदा की वजह से भी एकदम मोहब्बत हो जाती, खूबसूरती को जो देखते रहते एकदम अदा से मोहब्बत हो जाती किसी की देख के। और जैसे कि मैं बताया कि यानी जब गॉड को आप नहीं मानेंगे और रेस्ट लेते रहेंगे तो आपको अच्छी और बुरी चीज़ दिखाई देंगी, वरना जिन गॉड को मानते रहेंगे, एक मानते आपको पसंद आ जाएंगे, आपको गॉड दिखेंगे जिसको आप, जिसकी अदा आपको पसंद आ रही, जो गॉड को मान रहे हैं उसको देख के बोलेंगे मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मेरे को मोहब्बत एकदम मेरे को पसंद आ गई इन्हें, तो वो गॉड अगर उन्हें गॉड को मान रही तो आपको पसंद आ रही, तो लड़की या लड़का भी वैसी, तो वैसा वो सच नहीं रहता, वो झूठ रहता। यानी उसके खूबसूरती से, उसकी अदा से, जब लड़की लड़की को अगर आप पसंद करेंगे, मैं लड़की को बोल रहा हूँ जो शादी करने से पहले, लड़की को अगर आप पसंद करेंगे तो उसकी अदा से पसंद होंगी, उसकी खूबसूरती से पसंद आना, जब उन्हें गॉड को नहीं मान रही, यानी सच रहेगा, ताकि वो आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर गॉड भी बोल दिए कि तुम छोड़ दो, मेरे लिए जान दे दो, अपने मर्द को छोड़ दो, तो भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें मर्द को बहुत ज़्यादा चाहेंगे और गॉड बहुत पसंद करेंगे ऐसे कपल को, पार्टनर्स को, क्योंकि गॉड सच को मानते हैं बहुत, गॉड को पसंद है सच, गॉड को पसंद है सच, और सच अच्छाई में है सिर्फ, तो गॉड बोलेंगे कि ये सच है ये लोग। एक तरीके से अगर जिनकी समझ से, असली जिनकी दुनिया से देखे तो गॉड हारेंगे सच से तो लेकिन गॉड बोलेंगे सच है, और गॉड कभी मरते नहीं। तो और कोई भी बहुत जनों को मालूम है जिनकी दुनिया ऐसी है, कोई मर भी गया तो खुद ब खुद जिंदा होया, जब जैसा भी सच होया था, तो गॉड पहले तो मरते नहीं, जो असली रहते, जो सच रहते, जो पहले रहते, पहला जो रहते। तो अब ये देखिए कि आप सच्ची मोहब्बत जो है उससे ही छोटी, जब दोनों भी फॉर एग्जांपल दो जने हैं, लड़का लड़की रेस्ट ले रहे हैं, गॉड को नहीं मान रहे हैं, दो जिन के बारे में बात करूं मैं, एक लड़का जिन एक लड़की जिन, दो जिन है और ये लोग दोनों को गॉड को नहीं मान रहे, रेस्ट अवर्स में है या रेस्ट ले रहे हैं दोनों मानने से गॉड को, तो अब रेस्ट ले रहे हैं तो एकदम एक दूसरे को देखिए अदा पसंद आ गई। अब गॉड को एक जने मान रहा, एक जने रेस्ट लिया हुआ है, तो उसको गॉड पसंद आ रहे हैं लड़की में देख के, तो वो सच नहीं है, वो चुप चुप की एक तरीके से मोहब्बत है जो कभी भी ख़त्म हो सकती गॉड के लिए। तो समझ गए आप, गॉड ये बोलते कि हमेशा गॉड यही बोलेंगे, अगर बोलेंगे तुम सच्ची मोहब्बत करो, सच्ची इबादत करो, सच यकीन करो सच पे, मेरे को तुम्हारे जैसे लोग नहीं चाहिए, मेरी इबादत करो या नहीं करो मैं खुश हूँ, मैं जब चाहे जिन लेके आ सकता हूँ और ज़्यादा ला के उनको सिखा सकता हूँ कि मेरी इबादत करो और मैं अमीर हो जाऊँगा खुद ब खुद, मैं सच होके मैं अपनी तबीयत सब कुछ अच्छी कर लूँगा
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप जो है आप अच्छी तरीके से लाइफ जिंदगी अच्छी करना और गॉड को सच बताना। जब कोई चीज़ सच मालूम पड़ी तो जब आप सिनेगॉग में या मतलब लाइक जो प्रेइंग हॉल में जाएंगे आप जाके वहाँ गॉड को मानेंगे तो गॉड को बताते रहना कि हमको ये मालूम पड़ा, जिनको ये नहीं मालूम रहता प्रॉब्लम क्या है, जिनकी दुनिया नेचुरल है ही नहीं, इतनी प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ समझ लेते, पूरा इंसान समझा ही नहीं हमारे को, हम इंसान को समझे नहीं, कितने साल हो गए। तो इससे जो है कम्युनिटी जो है एडवांस होती है एकदम। तो गॉड को जैसा मालूम होते के साथ ही गॉड टेस्ट करना शुरू करते, प्रैक्टिकल टेस्ट, क्या इन बोरेन से सच है, रिसर्च करते गॉड, रिसर्च करे तो गॉड को और यकीन आ जाता है आप लोग के ऊपर। यकीन आने के बाद लाजमी बात है आप गॉड को मानेंगे। आप कोई आपको गॉड फिर काम करो बोलेंगे मेरे, जब भी आप उनको मानेंगे मानते साथ ही बोलेंगे तुम्हारे को पैसा चाहिए कुछ भी चाहिए बोलो मैं तुम्हारे को देते रहूंगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारी किस्मत में मैं लिख दिया वही छोना है तुम्हारी किस्मत में, ऐसे कैसा टाइम रहेगा, ऐसा तो नहीं चलता टाइम। और मैं बता चुका ऑलरेडी कि टाइम अगर उसके हाथ में है बनाना जो सच बताए, सिर्फ सच जानता सच साबित करे, जो वो सच जो कभी झूठा नहीं होता। अगर कोई इंसान के समझ से या सोच से हार जा रहा, हार के आके उन्हें बोला इन्हें सच समझाया सच सोचा तो हमारा टाइम बदल जा रहा, हम हार रहे इससे, तो वो गॉड सच नहीं है। तो गॉड को जब आप बताएंगे सच बताएंगे इंसान के बारे में जिन के बारे में जब आप रेस्ट लेंगे तो आपको समझ में आएंगी दुनिया। तो आप खुद ब खुद गॉड को जब बताएंगे तो आपको गॉड पसंद करेंगे, गॉड अपने आप को अपडेट करेंगे, टाइम के बारे में अपडेट करेंगे, बहुत सुकून हो जाएंगे ज़िंदगी। और रेगुलर डेज भी है, जब चाहे गॉड को डेली अगर पसंद नहीं आ रही है, गॉड को मान रहे 3 दिन बस नहीं हो रहा, जिन है असली जिन है, डेली जाओ गॉड के पास, मतलब प्रेइंग हॉल में जाओ और डेली मानो गॉड को, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सेट कर दो पहले अपनी मर्जी से टाइम सेट करके, इतने टाइम तक सुकून से गॉड को मानो, मान के एकदम सुकून हो जाता है एकदम। और उसके बाद रेस्ट लो फिर जाके गॉड को, जैसा इंसान कैसा गॉड को मानता, तो इससे जो है समझ में आती है दुनिया। इंसान मदद के लिए कभी भी गॉड को फिर मानना शुरू कर देता जैसा उसको प्रॉब्लम आती, लेकिन इंसान कोई बताता नहीं क्या करने का है, गॉड आके जिन या मतलब कुछ तो भी भेज सकते मदद कराते, लंबा प्रोसेस हो जाता। लेकिन आप जिन है तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाता क्या करने का है, गॉड बताते आपको कितनी अच्छी लाइफ है। देखो आप, आई होप कि आप मेरे को समझ गए होंगे।